हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओमान में जो HSC ऑफिसर की वैकेंसी निकली है वो भी अर्जेंट बेसिस के ऊपर, उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है कुछ ऐसा पेज जो है ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि HSC ऑफिसर की जो है ओमान में यहाँ पर अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको जो है इस वैकेंसी के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि HSC ऑफिसर का रोल क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशंस हो गया, HSC ऑफिसर जो है ओमान में अगर जॉब करता है तो उसकी जो है क्या बेनिफिट्स है। तो ऐसे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो आपने पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है वो भी जो है यहाँ पर ऐड किए गए हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो है इस जॉब के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एल नबाज सप्लायर्स एंड कैटरिंग सर्विसेज की तरफ से जो है ये ओमान के लिए जो है यहाँ पर हायरिंग चल रही है HSC ऑफिसर के लिए। अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास निबोश IGC या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी का। इसके साथ साथ 3 से लेकर 8 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब HSC जो क्वालिफिकेशंस है वो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर निबोश का जो जनरल सर्टिफिकेट है या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये खाली इतना जो है क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब है आपके लिए सही रहने वाली है और ओमान में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको जो है आपका अपडेटेड जो CV है वो भेजना है इस मेल आईडी के ऊपर। मेल आईडी है careers@alnabaholding.com। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर आकर इस जॉब को जो है डिटेल में जो है चेक कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।